हेलो गाइस, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल टेक रजक में। फ्रेंड, आज सीखेंगे कि थंबनेल कैसे लगाएं। ऐसा हो रहा है कि क्रोम ब्राउज़र से अगर हम लोग लगा रहे हैं जाकर स्टूडियो में, तो वहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है लगाने में, तो हम कैसे लगाएंगे थंबनेल। चलिए, फ्रेंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पर आकर सर्च करें YT स्टूडियो। देखिए मेरा पहला ही है, मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, बस आप लोग को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो चलिए डायरेक्ट मैं इसी में चलता हूँ, YT स्टूडियो में। थोड़ा मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ क्योंकि नेट स्लो है। तो फ्रेंड मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, चलता हूँ इस ऐप को खोलकर बताते हैं कैसा होगा। तो YT स्टूडियो में ओपन करेंगे, ओपन के बाद ये स्लाइड करेंगे गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेज लोड होगा, उसके आगे का प्रोसेस बताते हैं हम। नेट मेरा स्लो है इसीलिए लेट हो रहा है, तब तक वीडियो मैं पोस्ट कर लेता हूँ ओपन होते हैं। तो मेरा पेज ओपन हो गया है। आप लोग का ऐसा पेज ओपन नहीं होगा क्योंकि आप लोग मतलब पहले से यूज नहीं किए होंगे, तो अगर यूज किए होंगे तो ऐसा ही आएगा। तो चलिए मैं ट्राई अनोदर अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जिस जीमेल आईडी से यूट्यूब चैनल है उस जीमेल आईडी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तब तक वीडियो पॉज कर देता हूँ। मेरा पेज ओपन हो गया है, मैं अब जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए लॉगिन कर रहा हूँ, अब ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। देखिए मेरा वीडियो एक है, वो वीडियो दिखा रहा है कितना मिनट हुआ, सब दिखा रहा है। तो कैसे हम लगाएंगे, यहाँ पर जो थ्री लाइन है, थ्री डॉट, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधे वीडियो में आएंगे, जो ये वीडियो लिखा है ना उस वीडियो पर क्लिक करेंगे। वीडियो पर क्लिक करने के बाद उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, और इसके बाद यहाँ पर फिर से एक पेंसिल का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद मुझे ये एड आ गया है, इस एड को हम कट कर देते हैं। इस पेंसिल पर क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है कस्टम थंबनेल, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब अपना हम देखेंगे थंबनेल कहाँ है, वो थंबनेल हम लगा देंगे। चलिए मैं ये थंबनेल लगाने वाला हूँ, ये थंबनेल मैंने यहाँ पे जो एरो का निशान है सेलेक्ट लिखा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए क्लिक कर देते हैं, अब हमारा थंबनेल लग गया। तो फ्रेंड ऐसा ही थंबनेल लगाते हैं। अब आई होप हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और धन्यवाद।